हमने देखा कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में 5 स्टेप होते हैं, अलग अलग भी स्टेप्स हमने देखे और अलग अलग स्टेप्स को अलग अलग प्रारूप से कैसे हम कैलकुलेट करें, कैसे हम उसको उन क्रियात्मक प्रश्नों को हल कर पाएं, इसको हमने बहुत अच्छे से समझा। अब हमारा जो सेकेंड स्टेप होता है वो होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, यानी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की जब हम बात करते हैं, विनियोग क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की जब हम बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत हम बहुत सारी स्थायी संपत्ति, अल्पकालीन दीर्घकालीन विनियोग यानी कि शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और इससे रिलेटेड जो भी मदें होती हैं सबके सब इसमें शामिल कर लेते हैं। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि स्थायी संपत्तियों की बिक्री से जो रोकड़ प्राप्त होती है या स्थायी संपत्तियों को खरीदने में जो रोकड़ जाती है, इसको ही हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आय व्यय की मदें मान लेते हैं। अब अगर हम देखें कि कौन कौन सी मदें इसमें शामिल होती हैं या फिर क्वेश्चन में हमारे सामने किस किस तरह के पॉइंट्स आएंगे, तो वो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्थायी संपत्ति या अदृश्य संपत्ति के विक्रय से प्राप्त राशि इसमें इन्फ्लो हो सकती है, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं स्थायी संपत्तियों से संबंधित जो क्रय विक्रय या लेन देन होते हैं उसकी। दूसरा हमको यहाँ पर प्राप्त हो सकता है वित्तीय संस्थाओं को छोड़कर बाकी जो संस्थाओं को दिए गए ऋण होते हैं या उनसे प्राप्त किए गए ऋण होते हैं, क्योंकि अगर वित्तीय संस्थाएं हैं तब तो उनका काम ही वही है, पैसा लेना देना, ऋण लेना देना, तो वो तो फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में इंक्लूड होंगे नहीं, तो उनको छोड़कर बाकी कहीं से अगर ऋण दिया गया है या लिया गया है तो उसको फिर हम शामिल करेंगे। और अन्य पक्ष जिसको हम ऋण दिए हैं या जिनको हम अग्रिम ब्याज दिए हैं, ब्याज का भुगतान किए हैं, वो लेन देन जो होता है वो यहाँ पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शामिल कर लिया जाएगा। कुल मिलाकर अगर हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को एक प्रारूप के द्वारा तैयार करें कि एक फॉर्मेट, एक निश्चित इसका प्रारूप निर्धारित कर लें और उसके अकॉर्डिंग हम इसके क्रियात्मक प्रश्नों को हल करें, तो शायद हम इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि इसका प्रारूप क्या होगा। तो आपने देखा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के लिए हम किस तरह के प्रारूप को फॉलो करते हैं। अब आइए इससे संबंधित कुछ क्रियात्मक प्रश्नों को हल किया जाए। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आपने देखा कि रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट जो पॉइंट होते हैं, विनियोग से संबंधित जो पॉइंट्स होते हैं, उनको शामिल करते हुए हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब हम आ जाते हैं कैश फ्लो फ्रॉम एक्टिविटीज़ के थर्ड पार्ट में, यानी कि कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंस जैसे कि नाम से स्पष्ट है, वित्तीय क्रियाएं जो होती हैं, पूंजी निर्माण, अंश ऋण पत्र के निर्गमन और उससे संबंधित जो भी व्यय हैं, वो सारे पॉइंट्स इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। बात कर रहे हैं यहाँ पर हम वित्तीय क्रियाओं से प्राप्त रोकड़ प्रवाह की पूरी पूंजी संरचना एक इसके अंतर्गत शामिल हो जाती है। अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ बिंदुओं की बात करें तो हम देखेंगे यहाँ पर कि शेयर्स डिबेंचर बेच रहे हैं, उस पर हम डिविडेंड दे रहे हैं, वहाँ से ब्याज या डिविडेंड के रूप में कुछ प्राप्त हो रहा है, इस तरह की जो चीज़ें, इस तरह के जो पॉइंट्स आएंगे वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। यहाँ पर भी कैश इनफ्लो और आउटफ्लो होता है, क्या क्या इसके कारण होते हैं इस पर हम एक नज़र डालेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर अंशों का निर्गमन होता है तो कैश हमारे पास आती है, कैश इनफ्लो में हम उसको शामिल कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि अगर हम ऋण पत्र या बॉन्डों का निर्गमन करते हैं तो भी कैश हमारे पास आती है, बिजनेस में आती है, इनफ्लो में हम शामिल कर लेते हैं। वैसे ही इस तरह की वित्तीय संस्थाओं के बिजनेस में दीर्घकालीन ऋण होता है, हम लेते हैं तो हम उसको इनफ्लो में इंक्लूड कर लेते हैं। यहाँ पर हम कुछ अंशों का भुगतान करते हैं, अंशों पर अगर हम रिडम्पशन होता है, उनका शोधन होता है, किसी तरह का भुगतान होता है, तो वो भी फाइनेंशियल एक्टिविटी से रिलेटेड है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ भुगतान की बात कर रहे हैं तो वो आउटफ्लो में चला जाता है। इसी तरह से यहाँ पर हम ऋण पत्रों पर अंतरिम या अंतिम भुगतान करते हैं, लाभांश का भुगतान करते हैं, कई बार हम कोई शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म लोन लिए रहते हैं उसका हम भुगतान करते हैं, या फिर उस शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म लोन पे हम इंटरेस्ट पे करते हैं, तो जो भी पेबल एक्टिविटीज़ होती जाएंगी हमारी उसको हम आउटफ्लो एक्टिविटीज़ में शामिल करते जाएंगे, और जहाँ से हमको पैसा मिलता जाएगा, जहाँ से बिजनेस में कैश आता जाएगा, उसको हम इनफ्लो एक्टिविटीज़ में इंक्लूड करते जाएंगे। तो कुल मिलाकर
फाइनेंशियल एक्टिविटीज में ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको हम इनफ्लो और आउटफ्लो एक्टिविटीज में इंक्लूड कर लेते हैं। अब इसका प्रारूप क्या होता है, किस तरह से हम इसको निर्धारित करते हैं और फिर कैसे हम इसके क्रियात्मक प्रश्न हल करते हैं, आइए देखते हैं। इन्हीं के अंतर्गत कई बार हमको स्थायी संपत्तियों के क्रय विक्रय की गणना करनी पड़ जाती है। जो सूचनाएं दी गई हैं उनमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट तो दिया रहता है, लेकिन स्थायी संपत्तियों से रिलेटेड बहुत सारी अतिरिक्त सूचनाएं भी समायोजन के रूप में बाहर दे दी जाती हैं, जिन्हें हम कहते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन या एडजस्टमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो ऐसी कंडीशन में हमको क्या करना होता है कि हम इन अतिरिक्त सूचनाओं के आधार पर एक अलग से एक अकाउंट बनाते हैं, फिर वर्किंग नोट बनाते हैं और उसके बाद फिर हम स्थायी संपत्तियों के क्रय या विक्रय की गणना करते हैं। कंडीशंस होती हैं, इन्फॉर्मेशन दी गई है कि नहीं दी गई है इस पर डिपेंड करता है। तो अगर किसी क्वेश्चन में अतिरिक्त सूचनाएं नहीं दी गई हों, कुछ भी इन्फॉर्मेशन अगर एडिशनल नहीं दी गई हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमको गत वर्ष की तुलना में, चालू वर्ष की तुलना में अगर संपत्तियों में वृद्धि हुई है, यानी प्रीवियस ईयर में किसी संपत्ति की जो लागत है उसकी तुलना में चालू वर्ष में उस संपत्ति की लागत में वृद्धि हो गई है, तो हम ये मान लेते हैं कि करेंट ईयर में वो संपत्ति खरीदी गई है, यानी कि कैश आउटफ्लो हुआ है। दूसरी कंडीशन, जब क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई हो, अतिरिक्त सूचनाएं दी गई हो, तो ऐसे कंडीशन में फिर हमको अलग से एक फिक्स एसेट्स अकाउंट बनाना होगा। उसका नाम क्या होगा ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में कि जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो फर्नीचर से रिलेटेड है, बिल्डिंग से रिलेटेड है, मशीनरी से रिलेटेड है, जिसके बारे में जानकारी दी गई है उस अकाउंट को हमको अलग से प्रिपेयर करना होगा। और कुल मिला के इसका अपना एक अलग प्रारूप होगा स्थायी संपत्तियों के मूल्य के इसके कैलकुलेशन के लिए। आइए इसके प्रारूप पर एक नज़र डालें और फिर हम देखें कि इससे रिलेटेड क्रियात्मक प्रश्नों को हम किस तरह से हल करेंगे। नीचे दिए गए दो स्थिति विवरण से रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए। देखना, नीचे दिए गए दो स्थिति विवरण से रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ टू ईयर प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। फर्स्ट, समता एवं दायित्व, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। फर्स्ट, अंशधारी कोष, शेयर होल्डर्स फंड ए, अंश पूंजी, शेयर कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 ₹4,80,000, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 ₹3,75,000। बी, संचय एवं आधिक्य, रिजर्व एंड सरप्लस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 ₹34,500 एंड 31 मार्च 2017 ₹15,000। सेकेंड, चालू दायित्व, करेंट लायबिलिटीज, व्यापारिक देयताएं, ट्रेड पेबल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 ₹67,500 एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 ₹1,05,000। टोटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 ₹5,82,000 and for the year ended 31 March 2017 ₹4,95,000. Second, sampattiyan, assets. First, gair chalu sampattiyan, non-current assets. A, sthayi sampattiyan, fixed assets for the year ended 31 March 2018 ₹99,000 and for the year ended 31 March 2017 ₹75,000. B, gair chalu vinyog, non-current investment for the year ended 31 March 2018 ₹93,000 and for the year ended 31 March 2017 ₹60,000. Second, chalu sampattiyan, current assets. A, chalu vinyog, current investment for the year ended 31 March 2018
₹12,000 and for the year ended 31st March 2017, ₹15,000. B. Maal Suchiyan, Stock, Current Inventories. For the year ended 31st March 2018, ₹1,35,000. And for the year ended 31st March 2017, ₹1,20,000. C. Vyaparik Praptiyan, Trade Receivable. For the year ended 31st March 2018, ₹1,72,500. And for the year ended 31st March 2017, ₹1,80,000. D. Rokad evam Rokad Saman, Cash and Cash Equivalent. For the year ended 31st March 2018, ₹70,500. And for the year ended 31st March 2017, ₹45,000. Total for the year ended 31st March 2018, ₹5,82,000 and for 2017, ₹4,95,000. इस क्वेश्चन में हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है और इनडायरेक्ट मेथड से बनाना है, जिसमें सबसे पहले हमको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की कैलकुलेशन करनी है, फिर इसमें हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इंक्लूड करेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इंक्लूड करेंगे और फिर उसके बेस पे हम क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए हमको सबसे पहले चाहिए नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर इनकम टैक्स, और अगर नेट प्रॉफिट रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तो रिजर्व एंड सरप्लस को हम इसका बेस मान लेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रिजर्व एंड सरप्लस 31st मार्च 2017 में 15,000 था और 2018 में 34,500 हो गया, यानी कि दोनों का अगर डिफरेंस हम निकालते हैं तो करंट ईयर के लिए ये नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर इनकम टैक्स हो जाएगा 19,500। अब क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं दी गई है तो हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे और ये जो 19,500 यहाँ पर टोटल बनता है उसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चार्जेस मान लेंगे। इसमें अब हमको रिलेटेड टू करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज जो भी पॉइंट है उसको प्लस या माइनस करना है, और ऐसी कंडीशन में हम इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे कि अगर किसी करंट एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो हम उसको लेस कर देंगे, अगर किसी करंट एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है तो हम उसको ऐड कर देंगे। वैसे ही लायबिलिटी के लिए हम फॉलो करेंगे, अगर किसी लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो हम उसको ऐड कर देंगे, और अगर किसी लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है तो हम उसको लेस कर देंगे। तो यहाँ पर हम देखें तो हमको पता चल रहा है कि एक जो ट्रेड पेबल है, ट्रेड पेबल हमारे लिए लायबिलिटी है, और इसकी वैल्यू हम देख रहे हैं कि इस ट्रेड पेबल की जो वैल्यू है ये 2017 में 1,05,000 की थी, जो कि 2018 में डिक्रीज होके 67,500 की हो गई, यानी कि 37,500 इसमें डिक्रीज हुआ है, और क्योंकि ये एक लायबिलिटी है और लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो इसको यहाँ पर हम लेस वाले पॉइंट में डालेंगे 37,500। फिर हम यहाँ पर देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, एक जो करंट इन्वेस्टमेंट है वो हम देख रहे हैं कि 2017 में वो 15,000 का था और 2018 में ये 12,000 का हो गया। करंट इन्वेस्टमेंट हमारे लिए करंट एसेट्स है और करंट एसेट्स की वैल्यू यहाँ पर डिक्रीज हो रही है, ऐसी कंडीशन में जबकि करंट एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है हम उसको यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो ऐड वाले पोर्शन में हम यहाँ पर लिखेंगे डिक्रीज इन करंट इन्वेस्टमेंट ₹3,000। इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर कि एक इन्वेंट्रीज दी गई है, चालू संपत्तियों के अंतर्गत हमको ध्यान देना है कि कौन कौन से करंट एसेट्स इंक्रीज हुए हैं और कौन कौन से करंट एसेट्स डिक्रीज हुए हैं। तो यहाँ हम इन्वेंट्रीज को देख रहे हैं जो कि 2017 में 1,20,000 था और 2018 में ये इंक्रीज होकर 1,35,000 हो गया,
यानी कि 15,000 का इंक्रीमेंट है और ये एक करंट एसेट्स है। तो हमने देखा कि करंट एसेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पर हम उसको लेस कर देंगे और जितने से इंक्रीज हो रही है केवल उतनी अमाउंट ही लेस करेंगे। तो यहाँ पर हम लेस वाले पोर्शन में लिखेंगे इंक्रीज इन करंट इन्वेंट्रीज ₹15,000। एक पॉइंट यहाँ हम देख रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल से रिलेटेड। ट्रेड रिसीवेबल क्योंकि हमारे लिए करंट एसेट्स है जो कि 2017 में 1,80,000 का था और 2018 में ये 1,72,500 का हो गया, यानी कि इसमें हम देख रहे हैं कि कुछ डिक्रीज हुआ है, 7,500 रुपीज इसमें डिक्रीज हुआ है। और ये ट्रेड रिसीवेबल क्योंकि करंट लाइबिलिटी है और ये ट्रेड रिसीवेबल क्योंकि करंट एसेट्स है। करंट एसेट्स अगर डिक्रीज हो जाए तो फिर हम उसको ऐड कर देते हैं, तो इस पॉइंट को हम ऐड वाले पोर्शन में लिख देंगे डिक्रीज इन करंट डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल ₹7,500। और अब हम इन दोनों को मिला के देखते हैं कि कितनी अमाउंट हमको मिल रही है। तो यहाँ पर हम कैश को लॉस में देख रहे हैं कि एक तो हमको लॉस हो रहा है, माइनस के पॉइंट ज्यादा है प्लस के कम है, तो कैश लॉस्ट इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यहाँ पर हम बैलेंस देखेंगे 22,500 का बैलेंस हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ पे कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कर लें बी पार्ट बी में। तो बी में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दो चीजें हमको यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड दिखाई दे रही हैं। एक तो हमने एक फिक्स एसेट्स परचेस किया हुआ है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक फिक्स एसेट्स 2017 में हमारे पास 75,000 का था और 2018 में इसका बैलेंस 99,000 का हो गया, यानी बढ़ गया। इसका मतलब ये है कि करेंट ईयर में हमने 24,000 की एडिशनल फिक्स एसेट्स परचेस की है। 75,000 माइनस 99,000 यानी 24,000 की एडिशनल फिक्स एसेट्स हमने परचेस की है। अब क्योंकि हमने फिक्स एसेट्स परचेस की है यानी कि हम इसको एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मान सकते हैं, यहाँ हम लिखेंगे परचेस ऑफ फिक्स एसेट्स ₹24,000। उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है जो कि 2017 में 60,000 का था और 2018 में 93,000 का हो गया, यानी यहाँ पर 33,000 इंक्रीज हुआ है। तो हम ये मान लेंगे कि हमने एक इन्वेस्टमेंट भी नया परचेस किया है, तो ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंतर्गत आ जाएगा और 33,000 हम यहाँ लिखेंगे। तो टोटल ये कैश लॉस्ट ऑन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 57,000 हम आउटर कॉलम में लिख देंगे। अब हमको चाहिए सी यानी कि कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमने जो शेयर इशू किया है, शेयर कैपिटल जो कि 31 मार्च 2017 को 3,75,000 थी, ये 31 मार्च 2018 में 4,80,000 की हो गई। इसका मतलब है कि करेंट ईयर में ये जो शेयर इशू किए गए हैं वो 1,05,000 के हैं। अब ये जो कैश अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमको जो कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज मिल रहा है वो 1,05,000 का है। नेट अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो ये हम देख रहे हैं कि नेट कैश जनरेटेड आता है हमारा 25,500, यानी कि हम 1,05,000 में से अगर 57,000 को माइनस कर दे तो ये हमको नेट कैश जनरेटेड यहाँ पर मिल जाता है 25,500। और अगर कोई कैश या कैश इक्विवेलेंट पॉइंट हमारे पास है दिखाई दे रहा है तो उसको यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं, जैसे कि हमने फॉर्मेट में या वीडियो में भी देखा था। तो यहाँ पर हमको एक पॉइंट लास्ट में दिखाई दे रहा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो कि इंक्रीज हो रहा है, 2017 में 45,000 का था और 2018 में 70,500 का हो गया, यानी कि यहाँ पर हम इसको देख पा रहे हैं कि 45,000 से इंक्रीज हुआ है, जिसको कि हम नेट कैश जनरेटेड में ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास 70,500 का बैलेंस हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो नेट कैश जनरेटेड है उसको हमको कैलकुलेट करना है, तो हम कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में से कैश लॉस जो हो रहा है लॉस्ट इन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी और कैश लॉस्ट इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी,
ये दोनों अमाउंट यानी 22,500 और 57,000, इन दोनों अमाउंट को हम माइनस कर देंगे तो हमको यहाँ पर बैलेंस मिल जाएगा नेट कैश जनरेटेड रुपीज 25,500। निम्न स्थिति विवरण से नंदन लिमिटेड का रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार कीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ नंदन लिमिटेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। विवरण पहला, समता एवं दायित्व, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। फर्स्ट, अंशधारी कोष शेयर होल्डर्स फंड ए, अंश पूंजी शेयर कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 ₹80,000 एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 ₹80,000। बी, संचय एवं आधिक्य, रिजर्व एंड सरप्लस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 ₹50,000 एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 ₹8,000। सेकेंड, गैर चालू दायित्व नॉन करेंट लाइबिलिटीज, दीर्घकालीन ऋण लॉन्ग टर्म बोरोविंग 10% डिबेंचर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 ₹30,000 एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 ₹20,000। थर्ड, चालू दायित्व करेंट लाइबिलिटीज, ए व्यापारिक देयताएं ट्रेड पेबल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 ₹14,400 एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 ₹28,000। बी, अल्पकालीन आयोजन शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 ₹17,200 एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 ₹12,000। टोटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 ₹1,91,600 एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 ₹1,48,000। सेकेंड, संपत्तियां एसेट्स। फर्स्ट, गैर चालू संपत्तियां नॉन करेंट एसेट्स, ए स्थायी संपत्ति फिक्स्ड एसेट्स 31 मार्च 2018 ₹1,29,200 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 ₹73,600। दूसरा, चालू संपत्तियां करंट एसेट्स, ए माल सूची स्टॉक इन्वेंट्री फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 ₹28,800 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 ₹20,000। बी, व्यापारिक प्राप्तियां ट्रेड रिसीवेबल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 ₹20,400 एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 ₹30,000। सी, रोकड़ एवं रोकड़ समान कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 31 मार्च 2018 ₹13,200 एंड 31 मार्च 2017 ₹23,600। डी, अन्य चालू संपत्तियां अदर करेंट एसेट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 ₹0 एंड 31 मार्च and for the year ended 31st March 2017 ₹800. Total for the year ended 31st March 2018 ₹1,91,600 and for the year ended 31st March 2017 ₹1,48,000. इस क्वेश्चन में हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, लेकिन इसके पहले हमको नोट्स ऑफ अकाउंट्स। फर्स्ट, अल्पकालीन आयोजन शॉर्ट टर्म प्रोविजन। फर्स्ट, करों के लिए प्रावधान प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 ₹6,000 एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 ₹4,000।
प्रस्तावित लाभांश प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 ₹11,200 एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 ₹8,000 टोटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 ₹17,200 एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 ₹12,000 सेकेंड स्थायी संपत्तियां फिक्स्ड एसेट्स संचित हास माइनस एक्युमुलेटेड स्थायी संपत्तियां फिक्स्ड एसेट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 ₹1,50,000 and for the year ended 31st March 2017 ₹88,000 Sanchit has minus accumulated depreciation ₹ for the year ended 31st March 2018 ₹20,800 and for the year ended 31st March 2017 ₹14,400 Total For the year ended 31st March 2018, ₹1,29,200 and for the year ended 31st March 2017, ₹73,600. इस क्वेश्चन में हमको एक कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए एक तो हमको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज चाहिए जिसके बेस पे हम नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज निकाल पाएंगे एंड नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकाल पाएंगे उसके बाद हम इसमें लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और इसमें हम शामिल करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज और फिर इनके बेस पे हम नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लेंगे और साथ में हम क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की कैलकुलेशन कर लेंगे तो सबसे पहले जब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की कैलकुलेशन करते हैं तो हमको चाहिए होता है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर टैक्स जो कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो टैक्स रिलेटेड अमाउंट दी गई है उसमें रिजर्व एंड सरप्लस दिया गया है प्रॉपर नेट प्रॉफिट कहीं पे कैलकुलेट करके नहीं दिया गया है तो रिजर्व एंड सरप्लस के बेस पे हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे जो कि 2017 में 8,000 का था और 2018 में 50,000 का हो गया यानी कि हम ये मान लेंगे कि करेंट ईयर में 42,000 जेनरेट हुआ है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर टैक्स फिर हमको इसमें ऐड एंड लेस करना होता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमको ऐड करना है और नॉन ऑपरेटिंग इनकम हमको लेस करनी है जो कि जिसके बारे में क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तो हम उसको यहाँ पर निल लिखेंगे और 42,000 की ही अमाउंट को हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चार्जेस मान लेंगे अब हमको इसमें कॉन्सेप्ट फॉलो करने हैं करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स के इंक्रीज या डिक्रीज होने के जैसे कि हमने वीडियो में देखा कि अगर कोई करंट एसेट्स डिक्रीज होता है तो उसको हम ऐड करेंगे और अगर कोई करंट लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो फिर हम उसको लेस कर देंगे जस्ट अपोजिट अगर कोई करेंट एसेट्स डिक्रीज होता है तो हम ऐड करते हैं और अगर कोई करेंट लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो फिर हम उसको लेस कर देते हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शॉर्ट टर्म प्रोविजन एक दिया हुआ है और वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंक्रीज हो रहा है तो इसमें हम देख रहे हैं कि इस शॉर्ट टर्म प्रोविजन में इंक्रीज कितना हो रहा है तो यहाँ पर ये जो शॉर्ट टर्म प्रोविजन है तो टोटल ये 5,200 से इंक्रीज हो रहा है यानी कि ये जो शॉर्ट टर्म प्रोविजन है अगर हम नोट्स ऑफ अकाउंट चेक करें तो 31st मार्च 2017 को ये हमको 12,000 का दिखाई दे रहा है और 31st मार्च 2018 को ये 17,200 शो कर रहा है यानी कि 5,200 यहाँ पर इंक्रीज हुआ है तो केवल 5,200 की इस अमाउंट को हम यहाँ पर लिखेंगे फिर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ ट्रेड रिसीवेबल्स हैं हम संपत्तियों को देखें तो फिक्स एसेट्स को तो हम इसमें लिखते नहीं है लेकिन करंट एसेट्स को हम कंपेयर करें तो यहाँ हमको दिखाई दे रहा है एड में लिखने के लिए एक तो हमारे पास यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल है जो कि पहले था 2017 में 30,000 का और 2018 में फिर ये घटकर 20,400 का हो गया यानी कि डिक्रीज हुआ है 9,600 से
और क्योंकि ये करंट एसेट्स है और करंट एसेट्स अगर डिक्रीज होता है तो फिर हम इसको यहाँ पर ऐड में लिखते हैं, और जितने से डिक्रीज हुआ है सिर्फ उतनी ही अमाउंट हम यहाँ ऐड कॉलम में लिखते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे ऐड में डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल और 9600 की अमाउंट को डिटेल अमाउंट कॉलम में लिख देंगे। नेक्स्ट यहाँ हम देख रहे हैं कि एक प्रीपेड एक्सपेंसेस है लास्ट में, और प्रीपेड एक्सपेंसेस 2017 में 800 का शो हो रहा है और 2018 में बिल्कुल भी शो नहीं हो रहा है, यानी कि निल है, यानी कि वो पूरा का पूरा लॉस हो गया। तो इस पूरे के पूरे लॉस को हम मान लेंगे डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी कि एक करेंट एसेट्स में लॉस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो फिर ये पॉइंट हो जाएगा एड का। एड वाले कॉलम में हम लिखेंगे डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड रुपीज 800 से हम डिटेल कॉलम में, डिटेल अमाउंट कॉलम में इसकी एंट्री करेंगे। और अब जब हम इसका बैलेंस करेंगे तो हमने देखा कि 42,000 के अमाउंट जो थी वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चार्जेस थी। इसमें हमने जो भी इंक्रीमेंट या डिक्रीज जो ऐड किए हैं अगर उनको हम पूरे के पूरे को इसमें ऐड कर देते हैं तो टोटल अमाउंट यहाँ पे आ जाती है 57,600। दो चीजें हमको यहाँ पे लेस करने वाली भी दिख रही हैं। एक हम देख रहे हैं कि ट्रेड पेबल है यहाँ पर, जो कि 31 मार्च 2017 को 28,000 का था और 31 मार्च 2018 को 14,400 का हो गया, यानी कि ये डिक्रीज हो रहा है। और दूसरी बात, ये करंट लायबिलिटी है। हमने देखा कि जब कोई करंट लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो फिर उसको यहाँ पर हम लेस कर देते हैं, और कितने से ये डिक्रीज हो रही है, 13,600 से ये डिक्रीज हो रही है, तो इसको हम लेस में लिख देंगे। इन्वेंट्री हमको यहाँ पर एक दिखाई दे रही है, इन्वेंट्री को हम देखें तो ये भी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि 2017 में ये इन्वेंट्री थी 20,000 की और 2018 में ये इन्वेंट्री थी 28,800 की, यानी कि 8,800 से ये डिक्रीज हो रही है, तो इसको हम लिख देंगे लेस में। तो ओवरऑल ये हम अगर पूरे अमाउंट लेस वाली एक साथ इसमें से माइनस कर देते हैं तो ये हमको मिल जाएगा नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज रुपीज 35,200। ये तो हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट कर ली। अब सेकंड हमको चाहिए कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो हम इस पूरे क्वेश्चन में देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कहीं कोई पॉइंट दिया गया है क्या। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक फिक्स एसेट्स जो हमारे पास 2017 में 73,600 की थी वो 2018 में 1,29,200 की हो गई, यानी यहाँ पर 55,600 की अदर फिक्स एसेट्स हमने और परचेस की है करेंट ईयर में। तो उसकी अमाउंट यहाँ पर हम लिख लेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में परचेस ऑफ फिक्स एसेट्स रुपीज 55,600। और कोई भी अमाउंट यहाँ पर हमको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड दिखाई नहीं दे रही है। तो अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड स्टेप में, यानी कि कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंस रिलेटेड एक्टिविटी जैसे शेयर या डिबेंचर इश्यू करना, बैंक लोन, इस तरह की एक्टिविटीज को हम सर्च करें तो यहाँ पर हमको एक बोरोइंग दिख रहा है, एक डिबेंचर दिख रहा है जिसमें दिया गया है कि एक दीर्घकालीन ऋण, एक लॉन्ग टर्म लोन है, जो कि 31 मार्च 2017 को 20,000 था और 18 में ये 30,000 हो गया, यानी कि 10,000 एक्स्ट्रा बोरो किया गया है। तो सिर्फ उसी अमाउंट को हम यहाँ पर लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, या फिर हम डिबेंचर लिख सकते हैं उसको ब्रैकेट में, और डिफरेंस के जो अमाउंट है यानी करंट ईयर में जो प्रोसीड हुआ है उस 10,000 की अमाउंट को हम नेट अमाउंट कॉलम में लिखेंगे। अब हमारे पास नेट अमाउंट कॉलम में एक अमाउंट है नेट कैश जेनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 35,200। उसके बाद हमारे पास एक अमाउंट है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 55,600, और उसके बाद हमारे पास एक पॉइंट है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब यहाँ पर हम नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को अगर कैलकुलेट करें तो यहाँ पे ये हमको दिखाई दे रहा है, तो ये हमको दिखाई दे रहा है कि 2017 में ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 23,600 का था और 2018 में ये 13,200 का हो गया, यानी कि यहाँ पर ये डिक्रीज हुआ है 10,400 से। तो इसके अमाउंट को यहाँ पर हम लिख लेते हैं,
और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देते हैं कैश एंड कैश इक्वावेलेंट बिगनिंग ऑफ द ईयर। तो ये हम देख रहे हैं कि कैश एंड कैश इक्वावेलेंट बिगनिंग ऑफ द ईयर 23,600 था, और अब अगर हम कैश एंड कैश इक्वावेलेंट की क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करें तो हम देख रहे हैं कि दोनों का हम डिफरेंस निकाल लेते हैं तो 13,200, जो कि हम चेक करके भी देख सकते हैं संपत्तियों के अंतर्गत दिया गया है कि कैश एंड कैश इक्वावेलेंट 2018 में 13,200 से शो हो रहा है।